आदिल भाई रॉक्स कैसे से भाई राखी जी रॉक्स हेलो आदिल भाई इधर आ जाओ आदिल भाई भाई इधर आ जाओ ना इधर इधर ये बैग ड्रॉप पे ले ले दो बैग्स आते हैं बस मेरा आदिल कैसा लगता है बता बहुत अच्छे स्मार्टी ना राइटिंग पे आ गए हाँ हाँ अभी शूटिंग स्टार्ट हो रही है ना इनकी सरप्राइज है कुछ सरप्राइज आप बोल रहे हो अभी हमने सुना नहीं बोलूंगी थोड़ा सा तो हिंट दे दीजिए राखी जी प्लीज आपके फैंस को फैंस को फैंस के लिए हिंट देना फैंस के लिए आदिल के फैंस के लिए ये है कि बहुत जल्द आदिल स्क्रीन पे दिखेंगे ओह वाओ आदिल जी क्या कहना चाहोगे स्क्रीन पे दिखने वाले जस्ट दो तीन महीने रुक जाओ कितने क्या इंटरेस्टिंग है किस किस चीज पे आ रही है प्रोजेक्ट ये शी इज वेरी स्मार्ट थोड़ा मोड़ के पूछ ले थोड़ा करके आई टेल यू वेरी सून आई विल रिवील तुम्हें रणवीर की तरह पोज मारने एक दिन रिमेंबर उस पे आने वाला हूं पर पहले आप बताइए थोड़ा क्या है ओटीटी हम राखी जी ने थोड़ा ओटीटी पे हिंट दे दिया है हमको पहले ही ओटीटी है उसमें राखी जी दिख पाएंगे ऑफ कोर्स क्या किस तरह का किरदार होने वाला है बताता हूँ लव रोमांस नहीं अभी नहीं फिर बताता हूँ नहीं अभी बता नहीं सकते मैं फिर बताता हूँ और मैम अभी आपने जस्ट रणवीर सिंह का कुछ कहा आपने वो पिक्चर काफी वायरल हो रही है कल से क्या कहना चाहोगे उस पिक्चर को लेके एक्चुअली इसमें रणवीर का कसूर नहीं है बहुत गर्मी थी जहाँ वो यू नो तुम क्यों हंस रहे हो जान रणवीर का कसूर नहीं आपको पता है मैं तो रणवीर की दीवानी और मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा एक्चुअली रणवीर का कसूर नहीं इतनी गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड उसके फ्रैंकली स्पीकिंग जहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं तो इसीलिए उन्होंने ऐसे पोज मारे हैं आप समझिए थोड़ा काफ़ी उनको इसीलिए उन्होंने इंसान के पास एक बात बताइए हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या नहीं थे ना बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के यू नो घूमने लग गए बॉडी में रणवीर की बॉडी क्या लग रही है स्मार्ट एकदम आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा do you like रणवीर सिंह जान प्लीज आई एम टेलिंग यू रणवीर के लिए कुछ मत बोलना जान प्लीज मैं क्या बोलता हूं मैं लडूंगी आई लाइक हिम हां यू लाइक हिम फिट इज अ वेरी गुड इनफैक्ट यू नो द लास्ट हिज बॉडी इज गुड ना द लास्ट टाइम राखी जी ने कहा था हमको कि बिग बॉस में उनको शादी करनी है और कन्यादान सलमान भाई के साथ करना है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप फर्स्ट ये बताएंगे फिर मैं बताऊंगा बताओ इनका अनाउंसमेंट था हां एक अनाउंसमेंट आपने लास्ट टाइम हर चीज मैं ही बोलूं क्या पापू ये तुम्हारा अनाउंसमेंट पापू आप भी तो बोला करो पापुड़ी कुछ बोलो सर कन्यादान करेंगे कितनी बड़ी चीज होती है एक बहुत बड़ी चीज होती है जो सलमान जी अगर हम दोनों की शादी की गांठ बांधेंगे ना निकाह में आदिल अगले 7 जन्मों तक मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा दिल्ली में आप नहीं मिले थे कुछ उसकी पीछे आपने माफ कर दिया हमको जहाँ तक मीडिया वाले प्यार है वो मेरा तो आप माफ तो करना ही पड़ेगा मीडिया मैं एक्चुअली आई हैड अ वेरी इमरजेंसी वर्क मैं जा नहीं पाया आई एम रियली सॉरी फॉर हर एंड जो तरीके से मैं सोचा शी विल बी वेरी एंग्री आएगी नहीं बात नहीं करेगी 4-5 दिन द वे शी वेलकम मी इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग वेरी वेरी मैं तो सोच रहा था गुस्से में खड़ी होगी बाहर जाके मैं मनाना पड़ेगा एंड आई वाज सर्चिंग मेरे पास अ फ्लावर भी नहीं था लेने के लिए देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर रोज की बात या व्हाट आई एक्सपेक्टेड ही वाज वेरी हैप्पी लाइक दिस वाज अ रोमांटिक मोमेंट ऑफ माय लाइफ देखा काफी फैंस आप लोग को लाइक पसंद कर रहे हैं कितने सारे हैशटैग निकल गए मैम ने बाल भी कुछ करा है उसके बारे में क्या कुछ भाई ये बाल गिर रहे हैं स्पेशली आपके लिए करा है आप No, and she was wearing a nice salwar kameez and this dress. So, unne bola mujhe, so I could not make it. I'm so sorry, huh? No, you don't have to say sorry. Tumhare liye hazaro baar main salwar kameez pehnungi. Hazaro baal ye baal lagwaungi. Bhale mere khud ke baal ukhad jaye. You're my pyar. You're my majnoon.
आप मेरा प्यार हो। थैंक यू सो। प्यार में कितना भी वार करो चलेगा, कितना भी नहीं है पापा, नो इससे ज्यादा वार। थैंक यू। देखो चलो थोड़ा विजुअल्स कर लेते गाइस। चप्पल मेरे जूते उसमें तो इसलिए घर से जूते पहन के निकलने का। नमाज हाँ नमाज पढ़ लो। ठीक है ओके बाय बाय रखी जी बाय 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 बाय। फोन मारो ना लेकर आते छोटू क्यों कॉल कर रहा है भाई? ये कट गया भाई बात कर। ये क्या इधर ही है सामने भैया का जूता ना ब्रेड वाला दिखे में दिखे में छोटू का बंदा था वो। क्या हुआ? अरे नीचे ही खड़ी हूँ, तू किधर है? केबल निकालो ना इधर उधर उधर से। एक मिनट ना जल्दी आ जल्दी आ। छोटू तो हमारे घर का बेटा है। हम भी है राखी। हम लोग नहीं राखी जी, ये रिश्तेदार है। हम लोग रिश्तेदार हो। हेलो तुम लोग है ना? हेलो आदिल के वहाँ से ससुराल वाले हो मेरे। आदिल भाई अब जानो आ रहा है एक सेकंड। फिर क्या घड़ी घड़ी ऊपर से बुलाते रहेगा ना तो जिम में फिर पंगे हो जाएंगे आपके साथ। कट कर दे किया था इसकी चक्कर उतार चालू कर समाज दे नहीं करता बाकी जी। रणबीर सिंह ने वो नंगा फोटो डाला है। अरे तुम लोग को नंगा लगता है, तुम्हारी आंखें नंगी है। मुझे नंगा कहीं से भी नहीं लग रहा। मेरे रणवीर दोस्त के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, इवन आदिल भी कुछ नहीं कह सकता रणवीर के लिए। और आदिल भाई ने ऐसा फोटो डाल दिया तो कल का उनको धो डालूंगी मैं। आ, नहीं पापा देखिए उसके पीछे स्टोरी क्या है रणवीर नहीं बता सकते, लेकिन रणवीर की दोस्त बताएगी। इतनी गर्मी हो रही है लंदन अमेरिका में, लंदन में इतनी, दुबई में भी गर्मी हो रही है, अभी यहाँ पे भी है, यहाँ बारिश देखो कितनी गर्मी हो रही है। तो अगला बंदा क्या करेगा? एसी काम नहीं कर रहा था और वो कपड़े निकाल के जस्ट नहाने गया था। डी अंडर से आप गोल गोल क्यों घूम रहे हो? कपड़े निकाल के नहाने गया था, दो बंदर आके उसके कपड़े उठा के लेकर भाग गए। रणवीर इसमें क्या करेगा दोस्तों? देश वालों फोटो किसने खींचा? हाँ फोटो अब वो अब नीचे बैठ गया ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वो देखो वो ऐसे बैठा हाँ। इसीलिए बैठा कि भाई मेरे कपड़े चले गए मैं क्या करूं। फिर नीचे लेट गया भाई, अभी बंदर लेकर गए तो लेकर गए, चलो भाई चलो थोड़ा फोटो शूट कर लो। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? कॉमेडियन है तुम इसलिए। अरे तो मैं मेरा दोस्त है ना, वो तो मेरा दोस्त है तो मैं तो रणवीर सिंह आपका रणवीर सिंह टेंशन मत लो। राखी सावंत आपके साथ से तुम्हारी बिल्डिंग में कपड़े आ रहे हैं। मैं भी भिजवा रही हूँ। और आई एम ऑलवेज देयर रणवीर, यू आर माय बडी मैन, यू आर बडी माय डार्लिंग। उसमें क्या हुआ? मर्द है, उसमें क्या हुआ? उसका बॉडी कितना स्मार्ट दिखता है, वो क्यों नहीं दिख रहे हो? अब तुम पूरे कपड़े पहन के घूमते हो तो उसमें रणवीर क्या करे? और तुम लोग का पेड़ देखो, इसका पेड़ कितना आगे है। इधर आओ पेड़ देखो, इधर आओ इधर आओ। अंदर ये देखो पेड़ देखो कितना है, अंदर क्यों खींचा? अब कहीं से भी रणवीर लगता ही है। रणवीर की बॉडी देखो, ए देखो ए देखो ऐसे मेरे आदिल जैसी। अच्छा आपको क्या कहना है बोलो? मेरे रणवीर के लिए अच्छा तारीफ तो कर दो बेबी। आदिल भाई बहुत सही बंदर कपड़ा ले ला भागा बोला मुझके, मैं क्या कमेंट करूं? तो मैं क्या बोलूं? तो मैं क्या बोलूं रणवीर के लिए? इट वाज इट शूट नहीं शूट था क्या? पता नहीं क्या नहीं, था नहीं 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 कोई शूट वूट नहीं था। तो फोटोग्राफर को कौन बंदर ने बुलाया था उधर कि रणवीर का कपड़ा नहीं है फोटो खींच?
मैगजीन का शूट था। शूट था वो, फोटो शूट था। जहाँ फोटो शूट था ना वहाँ गर्मी हो रही थी और वहीं पे बंदर आए थे पीछे से और जंगल में शूट हो रहा था। वो दो बंदर आके उसके कपड़े लेके भाग गए। इतने में कैमरामैन रेडी था, खचाक 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 फोटो निकाल दिया और वायरल कर दिया। इसमें हमारा रणवीर क्या कर सकता है? पापू बोलो पापड़ी, जंगल तुम मेरा बोल क्यों कर रहे हो? ए देखो ए, अगर मेरे पास देखो दुश्मन की मतलब जरूरत ही नहीं है, मुझे मेरे घर में ही है मेरा दुश्मन। दुश्मन ना करे, दोस्त ने ये काम किया है। और देख ए यार जल्दी में ही रहते हमेशा। चले चले आदिल भाई को ले। थैंक यू, बाय बाय बाय। हैं फोटो चाहिए?